A very warm good afternoon to all my dear friends and my dear students. I'm Gina Agrawal and today I'm starting a new series and it is related to GST. जी हाँ, आपने सही सुना, गुड्स एंड सर्विस टैक्स. बेसिकली ये वाली सारी वीडियो सीरीज सारे स्टूडेंट्स को काम आएगी जो जनरली किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं. एंड स्पेसिफिकली हम बात कर रहे हैं बीकॉम थर्ड ईयर के लिए एंड ऑल्सो फॉर योर पीजी क्लासेस. क्लास 11th में भी जीएसटी से रिलेटेड कुछ पोर्शन है लेकिन वो स्पेसिफिकली उसकी अकाउंटिंग एंट्री से रिलेटेड है कि इनपुट की एंट्री कैसे करेंगे, चार्ज कैसे करेंगे जीएसटी एंड उसका सारे रिटर्न्स एंड ऑल दोस थिंग्स. यहाँ पे मैं कॉन्सेंट्रेट करने वाली हूँ बीकॉम के थर्ड ईयर के फुल कोर्स के ऊपर एंड कोशिश रहेगी कि पूरा कोर्स हम लेक्चर्स के थ्रू आपको समझा पाए. सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ अवर टाइम लेट्स बिगिन विथ अवर जीएसटी. सबसे पहली बात तो हमको ये समझनी है कि जीएसटी क्या होता है. तो फ्रेंड्स, जीएसटी का मतलब ये होता है कि सरकार ने नया टैक्स लेकर आया और उस टैक्स का नाम रखा गुड्स एंड सर्विस टैक्स. और ये बेसिकली बहुत सारे टैक्सेस को खत्म करके ये वाला जीएसटी का टैक्स सरकार ने स्टार्ट किया. और ये कब से आ गया था हमारे यहाँ ये आ गया था 2017 से ये स्टार्ट हो गया है. और ये एक कंजम्पशन बेस्ड टैक्स होता है, मींस जो प्लेस ऑफ सप्लाई होगी, जहां पे इसका कंजम्पशन होगा वहीं पे ये टैक्स पेबल होगा. और ये इंटरस्टेट सेल्स पे भी हो सकता है, इंट्रास्टेट सेल्स पर भी हो सकता है. इसको कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स क्यों बोला गया है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे टैक्सेस थे जिसको की सरकार ने खत्म कर दिया. फॉर एग्जाम्पल, ये स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं ये कई सारे ऐसे एक्साइज एंड कस्टम के टैक्सेस हैं जो पहले लगते थे. सर्विस टैक्स लगता था, स्टेट वैट लगता था, सेंट्रल वैट लगता था, एंट्री टैक्स लगता था, बेटिंग एंड गैम्बलिंग पे कई टैक्सेस लगते थे, एंट्री टैक्स लगता था. तो ये सारे टैक्सेस को सरकार ने खत्म करके क्या चीज ले आया है, उन्होंने ले आया है जीएसटी. तो अब सरकार ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि सरकार चाहती थी कि यूनिफॉर्म प्लेटफॉर्म हो जाए, एक ऐसा टैक्स हो जाए जो सारे स्टेट्स पे लागू हो. और ये जीएसटी भी इवन कश्मीर के ऊपर भी लागू है. आई होप यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई है. अब अगली बात करते हैं कि जीएसटी जो होता है कि इनडायरेक्ट टैक्स होता है, मीन्स इसका पेमेंट करने वाला तो सम अदर पर्सन है लेकिन फाइनल इसका बर्डन जिसके ऊपर आने वाला है वो एक अलग पर्सन है. तो फाइनली इसको कौन बेयर करता है, कंज्यूमर बेयर करता है. प्रोड्यूसर जो है अपना सामान बेचते टाइम होलसेलर को बेचेगा, उससे जीएसटी ले लेगा. होलसेलर फिर जब रिटेलर को ये सामान बेचेगा तो उससे जीएसटी ले लेगा. रिटेलर जब कंज्यूमर को फाइनली बेचेगा तब वो उससे ये सामान पे टैक्स ले लेगा. ठीक है, तो सभी लोग एक दूसरे से जीएसटी लेते जा रहे हैं. तो क्या यहाँ पे डबल टैक्सेशन हो रहा है? नो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे कोई डबल टैक्सेशन नहीं हो रहा है, कोई कास्केडिंग इफेक्ट नहीं हो रहा है. क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि जीएसटी में इनपुट क्रेडिट स्कीम का ऑप्शन अवेलेबल होता है. आप ये समझते हैं कि ये क्या बोला है, जीएसटी इनपुट क्रेडिट. मान लेते कि आप एक होलसेलर हो, आपने मेरे से एक प्रोड्यूसर जैसे सामान खरीदा है तो आपने मुझे टैक्स पे कर दी, तो ये तो आपको जीएसटी की लाइबिलिटी होगी जो आप गवर्नमेंट को पे करेंगे. लेकिन जब आप अपना सामान सपोज एक रिटेलर को सेल करेंगे, आपने एज अ होलसेलर रिटेलर को सामान बेचा, अब आपने रिटेलर से जीएसटी लिया, तो जब आप वो सरकार को पे करने जाएंगे तो आप क्या कहेंगे कि इतना इतना टैक्स मैं ऑलरेडी पे कर चुका हूँ जीएसटी का, इसको दिया मैंने उस प्रोड्यूसर को दे दिया था. तो जितना आपने प्रोड्यूसर को दे दिया था उसकी छूट आपको मिल जाती है, तो उसको हम बोलते हैं इनपुट क्रेडिट. यानी कि मेरे को जो मैंने कस्टमर से कलेक्ट किया वो तो मुझे पे करना है, लेकिन मैं ऑलरेडी जो पे करके आ चुका हूँ उतना पोर्शन में माइनस कर दूंगा. तो ये पूरी स्कीम कहलाती है कि हमने जीएसटी का इनपुट का क्रेडिट लिया है. आई होप ये बात आपको समझ में आई कि जीएसटी में इनपुट क्रेडिट का क्या कॉन्सेप्ट होता है. एक और छोटी बात करते हैं आज की, इंटर स्टेट सेल्स किसको बोलेंगे और इंट्रा स्टेट सेल्स किसको बोलेंगे. तो जहां पे दो स्टेट्स इन्वॉल्व हो गए तो वहां पे इंटर स्टेट कहलाएगा. जहां पे एक ही स्टेट है वहीं पे सेल करने वाला और बाय करने वाला दोनों बिलोंग करते हैं तो वो इंट्रा स्टेट कहलाए. अब ये समझना क्यों जरूरी था कि इंटर स्टेट क्या और इंट्रा स्टेट क्या है, ये समझना इसलिए जरूरी था क्योंकि जीएसटी के अंदर तीन टैक्सेस होंगे. एक है सीजीएसटी, एक है एसजीएसटी और एक है आईजीएसटी. सीजीएसटी का क्या मतलब है, सेंट्रल जीएसटी.
एसजीएसटी का क्या मतलब है? स्टेट जीएसटी, और आई आई का मतलब है इंटीग्रेटेड। अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि कब कौन सा टैक्स एप्लीकेबल होगा। तो जब भी आप इंटर स्टेट बेचेंगे, जैसे मैं इंदौर में हूँ, एमपी में हूँ, यहाँ से मैंने सामान बेचा सपोज मुंबई महाराष्ट्र, तो मुझे कौन से टैक्स की एप्लीकेबिलिटी आएगी? आईजीएसटी, ठीक है। और ये आईजीएसटी भी बाद में स्टेट और सेंट्रल उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूशन होता होगा, लेकिन बेसिकली इसको सेंट्रल गवर्नमेंट हमसे कलेक्ट कर रही। अब सी और एस ये दोनों कब आएंगे सिनेरियो में? जब भी हम सेम स्टेट के अंदर ही सेल करेंगे। मैंने जिसको बेचा वो उसकी कंजम्पशन प्लेस, उसकी प्लेस ऑफ सप्लाई अगर सेम स्टेट है तो फिर वो आ जाएगा सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। इसको भी ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे सरकार ने बहुत सारे रेट्स निकाल दिए, 5% है, 18% है, 28% है, तो अगर 28% की लायबिलिटी वाली चीज है और आईजीएसटी लग रही है तो पूरी 28% आईजीएसटी ही लगेगी। लेकिन अगर इंट्रा स्टेट बेचा तो सी और एस दोनों लगेंगे, और फिर वो कितना लगेंगे? 14 एंड 14, 14 और 14 ऐसे लग जाएंगे वो, और आईजीएसटी लगा तो पूरा 28 लग जाएगा। आई होप आपको आज की क्लास में ये समझ में आया कि इनपुट क्रेडिट का क्या पैटर्न होता है, इंटर स्टेट क्या होता है, इंट्रा स्टेट क्या होता है, और सीजीएसटी यानी सेंट्रल को टैक्स जाएगा, एसजीएसटी यानी स्टेट को जाएगा, एंड इंटीग्रेटेड मतलब जाएगा तो इनिशियल लेवल पे सेंट्रल को ही। ये भी आपने आज सीखा कि बहुत सारे टैक्सेस जो खत्म कर दिए गए और उनकी जगह जो जीएसटी आया, तो वो कौन कौन से टैक्सेस थे। इसको मल्टी स्टेज टैक्स क्यों बोला जाता है? क्योंकि अलग अलग स्टेजेस पे लग रहा है, प्रोड्यूसर ने भी ले लिया, होलसेलर ने भी ले लिया, रिटेलर ने भी ले लिया। इसको डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जिस जगह पे ये कंज्यूम होने वाला है प्रोडक्ट, उस जगह के हिसाब से टैक्स हमको लगाना है, उसके हिसाब से हम देखेंगे कि कौन सा वाला जीएसटी लगेगा, आईजीएसटी लगेगा या फिर सीजीएसटी एंड एसजीएसटी लगेगा। प्लस हम ये भी देख रहे हैं कि इसमें वैल्यू एडिशन पे टैक्स लग रहा है, क्योंकि जब ये होलसेलर ने रिटेलर को बेचा और रिटेलर से जितना भी जीएसटी कलेक्ट किया उतना वो पूरा गवर्नमेंट को तो जमा करेगा, लेकिन वो इनपुट की छूट ले लेगा। वो कैसे छूट लेगा? जितना उसने ऑलरेडी प्रोड्यूसर को जीएसटी पे कर दिया उसकी छूट वो लेता जाएगा। सो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग इट एंड यू आर लर्निंग इट, एंड आपके जो भी डाउट्स हो वो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। And you can also watch my other lectures related to this. And that's all in this introductory lecture. Soon I will be coming up with further lectures on GST, concentrating the BCom. Thank you. Have a good day. May God bless you.